नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। फिल्मी पर्दे पर टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाने वाले बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की खबर से हर कोई सन रह गया है। सुशांत ने 14 जून को मुंबई में अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि 34 साल की उम्र में ही सुशांत दुनिया को अलविदा कह गए। सुशांत के यूं चले जाने से हर कोई हैरान है। बॉलीवुड से लेकर टीवी स्टार्स सुशांत की मौत पर दुख जाहिर कर रहे हैं। वहीं दिग्गज विकेटकीपर, बल्लेबाज और अपनी कप्तानी में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले धोनी भी सुशांत की खबर से दुखी और उदास है। धोनी के मैनेजर अरुण पांडे ने बताया कि माही इससे बहुत उदास है। भले ही धोनी की तरफ से इस खबर पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन उनके करीबी दोस्त अरुण पांडे ने ये जानकारी दी है। दरअसल धोनी ने जब से सुशांत की मौत की खबर सुनी है, तभी से वो सदमे में है। वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सुशांत ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। वहीं धोनी के करीबी दोस्त अरुण पांडे ने एक चैनल से बातचीत में कहा, महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत उदास है। ये काफी दुखद है, जो कुछ भी हुआ उस पर हमें विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। मैं स्थिति में नहीं हूं कि अपना दुख जाहिर कर सकूं। इसमें कोई शक नहीं कि शानदार करियर सुशांत का इंतजार कर रहा था। महज 34 साल की उम्र थी। सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। मुझे आज भी याद है कि सुशांत को प्रैक्टिस के दौरान काफी दिक्कतें आई थी। उनकी दो उंगली भी टूट गई थी, साइड स्ट्रेन हो गया था, पीठ की हड्डी में एक क्रैक आ गया था, लेकिन वो बेहद आत्मविश्वास से भरे थे। रिहैब में भी उन्होंने काफी मेहनत की। एक हफ्ते में ही वो फिट हो गए। बता दें कि साल 2016 में धोनी की जिंदगी पर आधारित फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत ने ही लीड रोल निभाया था। इसके लिए पूर्व विकेटकीपर किरण मोरे ने उन्हें खास ट्रेनिंग भी दी थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत कम समय में खास मुकाम हासिल करने वाले एक्टर सुशांत ने रविवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जा रहा है कि उनका 6 महीने से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। कुछ दिनों से उन्होंने दवाई लेना भी छोड़ दिया था। भले ही सुशांत अपने चाहने वालों को छोड़कर चले गए हों, लेकिन वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे।